हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड ऑन इट। कहता है एक बॉडी है जिसका वेट 72 न्यूटन है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये 72 न्यूटन है अर्थ के सरफेस पे, वेट मतलब होता है mg, अर्थ के सरफेस पे इसकी वेट इतनी है, एंड हाइट हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। अब अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, आधा ऊपर ले जाता हूँ अर्थ के सरफेस से, दैट हाइट हाफ ऑफ द रेडियस, तो यहाँ पर वेट w डैश हो गया होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली वेट कम होगा, तो ये कभी भी किसी भी कंडीशन में सही नहीं हो सकता, ये सही नहीं हो सकता, सी एन डी कैन नेवर बी करेक्ट, बिकॉज पहले जो वेट था, नहीं पहले जो वेट था 72 होता तो वो कम ही होगा, तो ये सी ऑप्शन कभी नहीं सही होगा, और ये इसके चांस ये कम है ना, तो ये हो सकता है। चलो अब करके देखते हैं एग्जैक्ट कौन कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेट होगा, वहाँ पर वेट होगा, वेट W डैश, उसको मैं लिख सकता हूँ mg डैश, ठीक है, और g डैश की वैल्यू h हाइट पे कितनी होती है, वो होती है g r r प्लस h का स्क्वायर, r प्लस h का स्क्वायर। हमेशा याद रखो, जब कभी भी ग्राउंड से h हाइट वाला फार्मूला लगाओगे, तो हम सबको पता है कि ऊपर जाने के दो फार्मूले होते हैं, एक बहुत ही कम अर्थ के सरफेस पे जिसका फार्मूला होता है जी डैश इज इक्वल टू जी वन माइनस टू एच ओवर आर, ये कब लगता है, जब हाइट बहुत ही कम है, और ये जब हाइट रेडियस से अधिक है या रेडियस के बराबर है या रेडियस के कंपेरेबल है, तो हाइट ज़्यादा भाई, तो यही लगाऊंगा, तो जी डैश इज इक्वल टू एम जी और आर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है, आर प्लस एच का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू एम जी ऑन द अर्थ और आर प्लस एच का स्क्वायर, मतलब आर बाई टू का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये आ जाएगा 4/9 और मल्टीप्लाइड बाई 72, 8, 9, 72 और 8 चौके 32, ठीक है, 22 न्यूटन, 22 न्यूटन, दैट इज सी ऑप्शन सही है, ठीक है, क्लियर है। चलो तो ये हमने ग्रेविटेशन में किया क्वेश्चन, इसके आगे एक और छोटा सा लेक्चर देंगे जिसमें हमने 2000 तक किया, अब इससे पास्ट वाले जो क्वेश्चन करेंगे 2099 से लेके 90 तक, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो, मोटिवेटेड रहो, साथ साथ अपने आप को कभी भी निगेटिव जो थॉट आते हैं उनसे अवॉइड करो, कॉन्फिडेंट रहो, पॉजिटिव रहो, और ये सारी चीज़ें तभी हो सकती हैं जब तुम काम अच्छे से करो यार, यू वर्क, जो तुम्हें काम है वो अच्छे से करो, तो एक अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आती है, ठीक है, और आप सक्सेस की डायरेक्शन में मूव करते हो। थैंक यू, बाय बाय।